for a thin uniform circular ring. This is a thin uniform circular ring having mass m and radius r. This is its center. And this is any particle P at a distance of R from its center. Now, the question is, first principle, basic definition apply karo. Aur basic definition apply karke, sabse pehle, gravitational field at R. सबसे पहले लिखो, क्यों ना सबसे पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखे, डायरेक्शन भी हम देखते जाएंगे. E at R लिखो, फिर उसके बाद R equal to zero कर दो. और ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पर सोचो, फिर उसके बाद r इक्वल टू इन्फिनिटी कर दो और ग्रेविटेशनल फील्ड इनफाइनाइट पॉइंट पर सोचो, फिर e इज इक्वल टू r वेयर r इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ रिंग. इस बात को सोचो, फिर आप सोचो यदि हम r इक्वल टू प्लस डी आर पर जाएंगे, तब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी. यदि हम r इक्वल टू माइनस डी आर पर जाएंगे, तब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी. और इससे आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करो. फिर आप सोचो एट व्हाट आर नॉट वेयर ई मॉड ई इज मैक्स, किस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम है, वह आर नॉट की वैल्यू क्या है और मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है. एंड फाइनली प्लॉट फॉर फील्ड वर्सेस आर and discuss its continuity and differentiability. Finally, verify minus dv by dr is gravitational field. इस रिंग के लिए मैं चाहता हूं कि एक प्रॉपर एक डिटेल्ड एनालिसिस करा जाए, फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिक लॉ लगाते हुए सारी बात सोची जाए और फिर इन सारी कंडीशंस को सोचा जाए. इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज ओवर द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस के कंसेप्ट की भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, ग्राफ्स फंक्शंस और साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड तो पढ़ी रहे,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का भी एक रिविजन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस सिचुएशन. वंस अगेन एज आई टोल्ड यू, पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने का मतलब इस जगह पर हम सबसे पहले एक पॉइंट मास रख के देखेंगे और इस पॉइंट मास पर फोर्स डिटरमाइन करेंगे. हम कहेंगे कोई सा भी डिफरेंशियल एलिमेंट डीएम इधर लिया जाए, इसे इस तरह से जोड़ दिया जाए, तो यह जो दूरी होगी, यदि इस रिंग का रेडियस आर है, then this distance would be आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर रूट ऑफ इट और रन बैक. इस डिफरेंशियल मास पर फोर्स डीएफ लगेगा. And this DF force would be equal to G. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही काम करता हूं, डायरेक्शन से बाद में देखूंगा. G DM M by R square plus small r square. This is the DF force on this mass, और उस force का direction भी मैंने दिखा दिया. हम कहते हैं इस तरह के हर एक element की वजह से force इस तरह से लगेगी और यह force theta angle पर होगी. जहां पर cos theta की वैल्यू लिखी जा सकती है, द वैल्यू ऑफ cos theta वुड बी स्मॉल r अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी पावर 1/2. हम कहेंगे फोर्स के दो कंपोनेंट करे जा सकते हैं, जीएफ के दो कंपोनेंट करे जा सकते हैं. एक तो डीएफ साइन थीटा और यह कंपोनेंट होएगा डीएफ कॉस थीटा. यू ऑलवेज नो दैट ये जो डीएफ साइन थीटा है, ये कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसी तरह का जब इधर एक एलिमेंट लेंगे डायगनली अपोजिट, तो इस डायगनल अपोजिट कंपोनेंट की वजह से डीएफ साइन थीटा हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा. इसी तरह जबकि डीएफ कॉस थीटा कंपोनेंट हमेशा एड अप होता जाएगा. हम कहेंगे द टोटल फोर्स एफ इज इंटीग्रल ऑफ डीएफ कॉस थीटा. वी नीड टू एड ऑल दिस डीएफ कॉस थीटा, सारे डीएफ कॉस थीटा हम एड कर दें. डीएफ की जगह पर जी डीएम इंटू एम बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 1/2. अब जी बी कॉन्स्टेंट, स्मॉल एम आर, सारी टर्म कॉन्स्टेंट है, अंदर सिर्फ एक डीएम बचा रह जाएगा, जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2. अंदर बचा रह जाएगा सिर्फ इंटीग्रल ऑफ डीएम और इस तरह से यह फोर्स हो जाएगा जी एम एम आर बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2. और इधर से हम कह दें इफ
mass is 1 kg, तो यहाँ gravitational force, gravitational field हो जाएगा, and from here I'll write gravitational field is Gmr upon capital R square plus small r square to the power 3 by 2. If r is very very large as compared to capital R, तो इसे हम यहीं का यहीं negligible करके ignore कर सकते हैं और हमें expression बिल्कुल clearly दिखने लगेगा, it's gm by r square, that is it would behave as a point mass, ring would behave as a point mass at center, bracket में लिख देता हूँ, ring behave as point mass at C, जो इसका सेंटर है, यदि E is equal to 0 हो जाए, R equal to 0 हो जाए, small r की वैल्यू 0 हो जाए, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस r के 0 हो जाने से, सम कांस्टेंट इनटू 0, इट वुड बिकम 0. आप फिजिकली सोचिए, यदि इधर हम कोई सा भी मास रखेंगे तो सारे मास उसको रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे, और सारे मास जब उसको रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे तो वो सारे फोर्स का नेट वेक्टर सम 0 हो जाएगा, वो सारे मास का नेट वेक्टर सम 0 हो जाएगा और वहां ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगी. एट ई इंफिनिटी, वंस अगेन जब हम इंफिनिटी पर चले जाएंगे तो हमें यह कंसेप्ट फिर देखना होगा, हम इधर आर से ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं या फिर हम इस कंसेप्ट को देखें, इफ आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कैपिटल आर एंड इफ दिस आर अप्रोचेस इंफिनिटी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 ही अप्रोच करेगा, मतलब सेंटर पर भी 0 है और इंफिनिटी पर भी 0 प्लस डी आर पर, प्लस डी आर पर जब हम लिखने जाएंगे तो आप देखिए ई एट प्लस डी आर, this would be gn into plus dr upon ये dr r के रेस्पेक्ट में 0 to the power 3 by 2, so this would become plus gm by r cube into dr और minus dr पर this would be minus, means direction उलट जाएगा, at minus dr, this is, अब जरा सोचिए, center पर gravitational field 0, infinity पर भी 0, और बीच में finite हो रही है, मतलब बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होएगा जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी वह आप नॉट डिटरमाइन करते हैं, वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जिस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगी वहां पर डीई बाई डी आर 0 जाना चाहिए, फॉर मैक्स ई DE by DR must be 0. अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे, D by DR of G और M तो कांस्टेंट है
R upon R square plus R square to the power 3 by 2. इसे हम डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे.